अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजामिल एंड यू वॉच माय यूट्यूब चैनल मुजामिल सुमरो। गाइस, अगर आप भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते रहते हैं हमने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे, या आपको भी कोई मतलब ट्रांसपेरेंट या पीएनजी इमेजेस चाहिए होती हैं, मतलब कोई भी सैम्पल्स की, किसी भी पिक्चर के, मतलब फूलों की, आप किसी भी पिक्चर को पीएनजी या ट्रांसपेरेंट फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वीडियो है होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल के स्क्रीन पर, तब तक आप ये काम कर लें। ये नहीं होने वाली स्क्रीन, आपको प्ले स्टोर पे एक सलेब सर्च कर लेना है। मैं सलेब डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप डाउनलोड कर लेना। अब हमें ओपन करके कुछ इस तरह घंटा कर देखे मिल जाएगा, इसको ड्रेड कर देंगे। ए वाले ऑप्शन में जाके ड्रेड हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हमें ये सर्कल ट्राइंगल जो भी है इस ऑप्शन में जाके अपनी पिक्चर इंपोर्ट करनी है, जिसका बैकग्राउंड इरेज करना है हमें, मतलब जो पीएनजी में कन्वर्ट करनी है। अब गैलरी में जाके मैं वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो क्लिक करनी है। कौन सी डाउनलोड कोई ऐसी पिक्चर हो ना जिसका बैकग्राउंड कोई मतलब बहुत ही मुश्किल हो, ये नहीं, इसको कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब ये जो पिक्चर है आप इसको अपना साइज भी दे सकते हैं, जो भी साइज में आप इसको करना चाहें। मैं इसको डिफॉल्ट साइज में ही करूँगा, पिक्चर बैकग्राउंड एरिया जो इसको पीएनजी कहते हैं, तो उसको साइज थोड़ा बड़ा कर लूँगा, छोटा था इसका साइज, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको कुछ यहाँ पे इरेज के बाद ऑप्शन देखने के लिए इस पर क्लिक करके ये जो अनेबल है इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपना वो जो वाइट कलर था इसको रिमूव कर चुका। अगर आप चाहते हैं आपको कोई और कलर वाइट इरेज करना है तो आप कोई और कलर भी इरेज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर इरेज कर किया था, अब मैं यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी मदद से ये जो टूल देख रहे हैं आप, इसको सिलेक्ट करके मैं ये वाला सिलेक्ट कलर कर लेता हूँ। इस कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको ओके कर लें तो देख सकते हैं गाइस हमारा वाइट कलर वापस आ गया, और जो कलर सिलेक्ट किया था वो हमारा रिमूव हो गया। अब मैं दोबारा से वाइट कर लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ देखो दोबारा से वाइट कलर हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ओके करके अब हमारा बैकग्राउंड जो भी दिख रहा है, जो एप्लीकेशन में खुद का बैकग्राउंड है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके तो हमारी पिक्चर पूरी पीएनजी या ट्रांसपेरेंट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमको फाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद हमें पीएनजी में सेव कर लेनी है। हम सेव अस इमेज, हम ये देख रहे हैं हमें पीएनजी लगा हुआ है। आप हमको पीएनजी में ही चाहिए, इसमें जेपीईजी भी है, पीएनजी भी है, हम पीएनजी सेव कर लेते हैं। उसके बाद सेव टू गैलरी, तो गाइस मैंने आपको सिंपली बता दिया कि किस इमेज को ट्रांसपेरेंट या पीएनजी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके जरा सी भी कायम आई तो जाहिर सी बात है इस वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर रोज़ एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, एप्लीकेशन है, मोबाइल अनबॉक्सिंग की, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।